फेयर भी मीडियम भी डार्क भी, क्योंकि सन टैन की वजह से कुछ एरियाज डार्क हो जाते हैं, कुछ एरियाज हमारे रेड हो जाते हैं सन की वजह से, या कुछ लोगों की स्किन टू कलर्स की हो जाती है, लाइट भी और डार्क भी, किसकी मीडियम है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कट करने के लिए हम यूज करते हैं करेक्टर। करेक्टर का रोल यहाँ पे आता है, करेक्टर आपकी स्किन को जहां जहां पे डिस्कलरेशन है उसको इवन करेगा उस लेवल तक कि हम फाउंडेशन को लगा सके। डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी, आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी स्किन को पहले से करेक्ट कर लेंगे, जो हमारी स्किन ज्यादा डार्क है उसको हम अगर उस लेवल पे लाएंगे, इससे बेसिकली क्या होता है कि हमने अपनी स्किन को उस लेवल तक लेकर आना है जहां पे हमारी स्किन इवन लगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर फाउंडेशन लगाए एक कलर का। ठीक है, तो वो किससे होगा? करेक्टर लगाने से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि करेक्टर कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल होते हैं जो हमारी स्किन को अनइवन से इवन बना सकते हैं। नंबर वन होता है हमारा येलो करेक्टर, नंबर टू ऑरेंज करेक्टर, नंबर थ्री पिंक करेक्टर, नंबर फोर पीच, नंबर फाइव ग्रीन, और हमारे पास नंबर सिक्स होता है पर्पल, जिसे हम वॉयलेट भी कहते हैं। ये सारे करेक्टर्स हमारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं कलर्स को यूज करके आपने मैक्सिमम देखा होगा कि जितनी भी हमारी कलर करेक्टर की पैलेट्स आती हैं या सिंगल इंडिविजुअल कलर्स भी आते हैं, वो इन्हीं शेड्स में से होते हैं। थोड़े से लाइट या डार्क हो सकते हैं या मीडियम टोन के हो सकते हैं, लेकिन वो सारे करेक्टर येलो, ऑरेंज, पिंक, पीच, ग्रीन, पर्पल ही होते हैं। इन्हीं से हम अपने स्किन के कलर्स को कट करते हैं, एक उसको न्यूट्रलाइज करने की हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको कलर विथ थ्योरी में बताया था कि ऑरेंज के सामने, ये देखिए दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, जैसे हमने इस कलर विथ थ्योरी में देखा था कि ऑरेंज के सामने जो कलर आता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कट करते हैं। इसको कट करने का या कॉम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब होता है कि इट मीन्स अगर आपकी स्किन में वो कंसर्न एरिया है तो उसके ऑपोजिट कलर से हम उसको ठीक कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके ऑपोजिट कलर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज है, तो ब्लू कलर के जो हमारे वेन्स होते हैं अगर वो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे डार्क सर्कल में, हमारे पिगमेंटेशन में, तो उसको ऑरेंज कट करेगा। तो हम कौन सा करेक्टर यूज करेंगे? ऑरेंज। अगर आप देख रहे हो कि आपके जो अंडर वेन्स, जो अंडर टोन है स्किन की, वो ना ज्यादा ब्लू है ना ज्यादा ग्रीन है, वो वॉयलेट कलर की है, हल्का सा पर्पल यूज में आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट जो कलर है येलो, तो हम यूज करेंगे येलो कलर करेक्टर। अगर हमारी स्किन के अंदर जो हमारी टोन आ रही है, जो हमारी अंडर टोन आ रही है, वो ग्रीन आ रही है या रेड आ रही है, हमारी स्किन रेडनेस रहती है, तो उसके ऑपोजिट क्या कलर है? ग्रीन। तो हम उसको कट करेंगे ग्रीन कलर करेक्टर से। अगर हमारे स्किन और ये येलो, ऑरेंज, पिंक, पीच, ग्रीन, पर्पल, ये सारे जो कलर्स हैं हमने, ये हमने लाइट फेयर स्किन, मीडियम स्किन और डार्क स्किन, डीप स्किन के हिसाब से चूज किए हुए हैं। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप येलो, पिंक, पीच यूज कर सकते हो इस तरह के कलर, क्योंकि ये लाइट है कलर तो फेयर स्किन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। अगर ग्रीन भी यूज करते हो जिसकी रेडनेस रहती है, तो लाइट ग्रीन यूज करते, डार्क ग्रीन यूज नहीं करते, दो दो या तीन तीन शेड्स इसमें आते हैं, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा मीडियम, तो उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि कौन सा कलर करेक्टर हमें यूज करना है। तो ये सारे शेड्स हैं हमारे, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कलर विथ थ्योरी के बेस पे हमने अपने स्किन के डार्क सर्कल को, पिगमेंटेशन को कैसे करेक्ट करना है। और इसमें एक चीज और होती है, हमारी येलो, ऑरेंज, पिंक, पीच, ग्रीन और जो पर्पल कलर है हमारे, ये हमारे स्किन टोन के हिसाब से हम यूज करते हैं। अगर हमारे स्किन टोन फेयर है, इफ वी आर फेयर स्किन टोन, तो हमारे स्किन टोन पर पिंक और पीच ये वाले जो कलर करेक्टर होते हैं ज्यादा सूट करते हैं। सो दिस इज फॉर फेयर स्किन। इस तरह के हमें थोड़ा सा पिंक और पीच कलर के करेक्टर्स यूज करने चाहिए। अगर हमारी स्किन थोड़ी सी मीडियम है, ना वो ज्यादा डार्क है हम, ना ही ज्यादा फेयर है, तो हमें येलो और ऑरेंज के करेक्टर यूज करने चाहिए, मीडियम स्किन टोन, फेयर स्किन। अगर हमारी स्किन फेयर है तो हमें पिंक और पीच टोन में जाना चाहिए, अगर हमारी स्किन मीडियम है तो हमें येलो और ऑरेंज की टोन में जाना चाहिए। जो हमारा ग्रीन और पर्पल होता है ये हमारी रेडनेस के लिए होता है, कि जिसकी स्किन पे रेडनेस रहती है, एक्ने होते हैं, एक्ने के स्कार्स होते हैं, जो रेड होते हैं उसकी स्किन वैसे धूप से रेड हो जाती है, एक्ने की वजह से रेड होती है, तो उनके लिए हम ग्रीन, पर्पल और व्हाइट यूज करते हैं स्किन के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली
फेयर और मीडियम स्किन है ये वाले कलर्स होते हैं। अगर किसी की डार्क स्किन है, ज्यादा ब्राउन स्किन है, डीप स्किन है, तो वो ऑरेंज कोशिश करते हैं कि ऑरेंज को ही यूज करें, ऑरेंज फॉर डीप स्किन। और ऑरेंज और येलो की कैटेगरी होती है, लेकिन येलो थोड़ा डार्क होता है, ऑरेंज थोड़ा डार्क होता है, तो इसी ही वेरिएशन में डीप स्किन वाले अपने लिए करेक्टर यूज करते हैं। तो ये तो होगी हमारी नॉलेज की करेक्टर कौन कौन से कलर्स में आते हैं और वो कौन कौन से स्किन टोन के हिसाब से यूज होते हैं। ग्रीन फॉर रेडनेस, पर्पल वॉयलेट हमें यूज करना होता है अगर हमारी स्किन बिल्कुल पेल है। पर्पल वॉयलेट क्यों यूज करते हैं, अगर किसी से बिल्कुल पेल कहते हैं, जिसका रंग बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, पेल स्किन है, उसकी स्किन में थोड़ा ब्राइटनेस ही नहीं है, ग्लो ही है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल येलो है उसकी स्किन, तो हम वॉयलेट करेंगे। अगर किसी की अंडरवेज वॉयलेट है, पर्पल है, तो हम उसको येलो करेंगे क्योंकि हमें उसको ठीक करना है। अगर किसी स्किन पहले से येलो है, पेल है, तो हम उसको ब्राइट करने के लिए पर्पल वॉयलेट यूज करेंगे। किसके लिए यूज होते हैं, जिसकी स्किन पेल है और जिसकी रेडनेस स्किन है वो ग्रीन के लिए। इनमें से येलो, पिंक, पीच, ऑरेंज हमारे मीडियम, डीप और फेयर स्किन के लिए होते हैं। ग्रीन हमारे कंसर्न एरिया रेडनेस के लिए होता है करेक्टर, और पर्पल वॉयलेट हमारा पेलनेस के लिए होता है, जिसकी स्किन बहुत पेल होती है। तो ये हो गया हमारा कलर ग्रीन थ्योरी हमें कैसे इंप्लीमेंट की करेक्टर के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि करेक्टर्स हमारे कौन कौन सी वैरायटी में आते हैं, कौन कौन से टाइप्स में आते हैं। एक करेक्टर होता है हमारे लिक्विड करेक्टर और एक हमारे आते हैं क्रीम करेक्टर्स। लिक्विड करेक्टर और क्रीम करेक्टर के दो तरह के करेक्टर्स आते हैं, जिससे हम अपने डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को कट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि लिक्विड करेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ये स्किन के अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, फटाफट अपना स्किन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, इजिली फटाफट ड्राई हो जाते हैं। जहां की क्रीम करेक्टर हमारे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं सेट होने के लिए, ब्लेंड होने में टाइम लगता है इसको, इनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है। लिक्विड करेक्टर आपको इस तरह के लिक्विड करेक्टर्स मिल सकते हैं जो आपके स्किन के ऊपर लगा सकते हो, और इस तरह के आपको क्रीम करेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इनमें से जो लिक्विड करेक्टर होते हैं ये थोड़ा सा इजी होते हैं ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जल्दी सेट हो जाते हैं, उस एरिया पे ड्राई जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा देर इनको ब्लेंड नहीं करना पड़ता, जैसे आप लगाते हो ये उसी टाइम सेट होना शुरू हो जाते हैं। और उसी तरह जो क्रीम करेक्टर है ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। इन दोनों में वेरिएशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप तो ब्राइडल कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, तो आप लिक्विड करेक्टर ही यूज करो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी फाइन कवरेज देता है। लेकिन क्रीम करेक्टर आप वहां पे यूज कर सकते हो कि जहां भी किसी की स्किन पे हमें डीप कवरेज चाहिए, उनके जो डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशन है इतनी डार्क है, पूरा स्किन मीडियम है, फेयर है या मीडियम है, लेकिन जो जहां जहां पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन वो इतनी डार्क है कि न्यूट्रलाइज होने में टाइम लग रहा है, वहां पे आई वुड सजेस्ट कि क्रीम करेक्टर यूज करो, क्योंकि क्रीम करेक्टर थोड़े से थिक होते हैं और ये अच्छी हेयर बनाते हैं। लिक्विड कैरेक्टर थोड़े से फाइन होते हैं, थिन होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो इनसे कवरेज थोड़ी कम आती है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो लिक्विड कैरेक्टर से आपको नॉर्मल कवरेज मिलती है, अगर आप क्रीम कैरेक्टर लेते हो तो डीप कवरेज मिलती है। तो लिक्विड कैरेक्टर नॉर्मल मेकअप के लिए, जिनकी स्किन पे ज्यादा डार्क सर्कल पिगमेंटेशन ना हो उनके लिए ले सकते हो, क्रीम कैरेक्टर आप जिसको बहुत ज्यादा डीप कवरेज चाहिए उनके लिए क्रीम कैरेक्टर ले सकते हो। क्रीम कैरेक्टर को ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लिक्विड कैरेक्टर आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोडक्ट लगाने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, उसको लगाते कैसे, हाउ टू अप्लाई करेक्टर्स। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होती है, नंबर वन इज ब्रश, नंबर टू ब्यूटी ब्लेंडर, नंबर थ्री एक और ऑप्शन होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले मैं आपको दोनों समझा देती हूँ। आप अपनी करेक्टर को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर अंडर आई का एरिया तो स्मॉल ब्रश लीजिए, अगर बिग एरिया से जो है चीक लाइन है, फोरहेड है, तो बिग ब्रश लेके, जो फ्लैट ब्रश होते हैं फाउंडेशन की तरह के होते हैं, तो वैसा ब्रश लेकर आप अपने एरिया पे करेक्टर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप ब्रश नहीं यूज करना चाहते हो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी, ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया और आप अपनी स्किन पे लगा सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर से भी उसको अप्लाई किया जा सकता है, ब्लेंड किया जा सकता है। ब्रश की सहायता से जैसे मैं बताऊं कि थोड़ा सा लाइंस पर जाती है, तो आप कोशिश करो ब्रश से सिर्फ उसको अप्लाई करो और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको
ब्लेंड करो, आप दोनों चीजों का यूज करो, क्योंकि अकेले ब्यूटी ब्लेंडर से प्रोडक्ट लगाना कभी कभी जो ब्लेंडर है वही प्रोडक्ट को सारा अब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्या करो, ब्रश की हेल्प से उसको लगाओ, जहां जहां पे डैब डैब करके लगाओ, और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करो। आज के लिए आई होप आपको समझ में आइडिया होगा कि कैरेक्टर होते क्या है, क्या क्या कलर्स उसमें अवेलेबल होते हैं, कौन से स्किन टाइप के लिए, स्किन टोन या अंडरटोन के लिए वो होते हैं, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, और कौन कौन से फॉर्म में मार्केट में हमें मिलते हैं। करेक्टर के बारे में इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी हुई कि आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इनकेस फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर मैं फर्दर रिव्यू में आपको सारा कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकूं, या और भी चीजें जो इसके बारे में बतानी रह गई है तो वो भी आपको बता सकूं। आज के लिए इतना ही, अब बात कर लेते हैं अपने मेकअप टिप के बारे में। चलिए आज के मेकअप के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपको ब्रश के साथ या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपका करेक्टर ब्लेंड नहीं अच्छे से हो रहा है तो आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने फिंगर का इस्तेमाल करते हैं करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक अपनी हीट होती है, और जब हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने फिंगर्स पे लेते हैं या पाम पे लेते हैं तो उस हीट से, हमारी बॉडी की हीट से वो प्रोडक्ट थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, हीटेड हो जाता है, और वो हमारी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, हमारी स्किन पे उसको अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प मिलती है और वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप भी अपनी फिंगर की हेल्प से, आई वुड सजेस्ट कि फिंगर से ही आप करेक्टर को ब्लेंड करने की और अप्लाई करने की, सेट करने की कोशिश करें। आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरे को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलती ही रहे। अगले वीडियो में और डीप थ्योरी के साथ आपसे मिलूंगी। कंसीलर और फाउंडेशन के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि उसकी भी क्या क्या खासियत होगी, कैसे अप्लाई किया जाता है। तब तक के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।